क्वेश्चन नंबर 321 प्रोफेसर थॉमस नॉट Madam, the national highway from Muthukandam to Edappally in Kerala, Kochi, my constituency, was constructed 30 years back by acquiring land to the length of 47 kilometers and 30 meters. Again, the process of acquiring more land so that this is being widened 45 meters. There is wide resistance. I am not against the expansion and modernization, but people should get adequate compensation. The compensation usually given is very meager. So as per the 2013 acquisition law, which is taking place, discussion taking place, and also the compensation given for the Cochin Metro, the acquisition of the land for the Cochin Metro should be followed, and the small holdings of 5 cents, 10 cents should be specially considered so that the people should not suffer, as well as the shop owners, as well as the small dwellers should be properly protected, and the help of the local bodies, the MLAs, MPs, local representatives should be taken. The government should not go for using the police force. Instead, the people's cooperation should be there. Their problems should be settled. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में जब हमारी सरकार बनी तब हमें विरासत में 92,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे मिला था, और हमने डिसाइड किया कि अगले 8 साल में हमें नया 1,00,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाना है। नेशनल हाईवे बनता है तो कोई ना कोई स्टेट में ही होता है, देश का काम हो रहा है तो स्टेट के माध्यम से हो रहा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमें 40,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का काम पूरा कर दिया है 4.5 साल में, और नया 53,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे उसको हमने इन प्रिंसिपल अप्रूव किया है, वो ऑन गोइंग है, उसका काम चल रहा है। माननीय सदस्य जी ने जो बताया है, केरला में खास करके लैंड एक्विजिशन में हमें थोड़ी दिक्कत भी हो रही है। माननीय सदस्य को मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि लैंड एक्विजिशन में हमारी एक पॉलिसी है, पॉलिसी के तहत हम अर्बन क्षेत्र है वहाँ 2 टाइम, और जो रूरल क्षेत्र है वहाँ 4 टाइम कंपनसेशन देते हैं। 4 टाइम कंपनसेशन मतलब कभी कभी एक कंपनसेशन मार्केट रेट से भी ज़्यादा होता है, लेकिन जब निर्माण कार्य करना है, रोड बनाना है, तो रोड जमीन पर ही बन सकता है, और जमीन पर लैंड की आवश्यकता होती है। हमने माननीय सदस्य पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हम अपेक्षा करते हैं कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम आपको हर संभव सहयोग करना चाहते हैं और आपका सहयोग लेना चाहते हैं, क्योंकि लोकल पब्लिक के साथ आप अच्छी तरह से बात कर सकते हो। आप बातचीत करके 4 टाइम कंपनसेशन के लिए आप अपने क्षेत्र के लोगों को सहमत करिए, जिससे हमें सहयोग मिल सके और हम लैंड एक्विजिशन करके वहाँ रोड निर्माण का काम कर सके। I am thankful to the Hon'ble Minister giving an assurance. The 4 times of the market value will be given, and the Government of India, the NHAI, should discuss with the local administration and the local representatives of the people and find out 50%. Madam, my second question is, the national corridor starting from Kolkata to Chennai is an important corridor. It should be extended to Cochin via Coimbatore, because Cochin is the industrial center as well as the port city. So this, I request the Honorable Minister to take a positive stand so the national corridor from Kolkata to Chennai should be extended to Cochin via Coimbatore. माननीय सदस्य जी ने बताया है, सही बात है कि लैंड एक्विजिशन में या तो रोड निर्माण के काम में जो दिक्कत आती है वहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ कंसल्टेशन करना चाहिए। मैं माननीय सदस्य जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि लैंड एक्विजिशन में हम आपकी सहायता मांगेंगे, और आप हमें सहायता करके ये काम अल्टीमेटली अपने ही क्षेत्र में हो रहा है, और अपने क्षेत्र में एक रोड निर्माण से लोगों को बहुत सुविधा भी होगी और उससे फायदा भी होगा, और इसलिए हम आपको अवश्य मदद करेंगे। दूसरा, आपने कहा कि आपने कोची के लिए आपको रोड कनेक्टिविटी के संदर्भ में कोची जैसे बड़े सिटी के लिए
कई ओर से भी रोड कनेक्टिविटी रहती ही है, कोची एक अच्छा बंदरगाह भी है और रोड कनेक्टिविटी से वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट से जुड़ा हुआ भी है, और भी जो वहाँ रोड कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी वो समय के अनुसार हम रोड कनेक्टिविटी के लिए काम करते रहते हैं। अजय मिश्रा जी, माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने माननीय मंत्री जी के प्रयासों व सरकार के प्रयासों के कारण 2014 में एनडीए सरकार आने के बाद न केवल राष्ट्रीय राजमार्गों सहित विभिन्न योजनाओं में सड़क निर्माण में तेजी आई है, वहीं नए प्रयोगों के कारण गुणवत्ता में भी सुधार हुआ और सुविधाएं व सुरक्षा बढ़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, जब हमारी सरकार बनी थी तब देश में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग को 2,00,000 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव किया था। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश में तत्कालीन 8,483 किलोमीटर नेशनल हाईवे को 17,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 6,260 किलोमीटर के 73 स्टेट हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने का प्रस्ताव सरकार से किया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्गों सहित उत्तर प्रदेश के उक्त 73 स्टेट हाईवे में से कितने मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में तब्दील किया गया, विशेषकर स्टेट हाईवे नंबर 21 बिलराया पनवारी मार्ग जिसमें शामिल है, उक्त स्वीकृत मार्गों पर वर्तमान स्थिति क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न जो माननीय सदस्य जी ने बताया है, सारे देश में हमने रोड नेटवर्क की गति बढ़ाई है और जब पहले हमारी सरकार बनी उसके पहले 11 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर डे बनता था। आदरणीय हमारे सीनियर मंत्री गडकरी जी के नेतृत्व में हमने जो कई इनिशिएटिव लिया, गुड गवर्नेंस किया, सिस्टम में बदल किया, उसका नतीजा ये निकला कि इस साल हमने 28 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बनाया है और इस रफ्तार से हम नेशनल हाईवे का नेटवर्क देश में खड़ा कर रहे हैं। सभी स्टेट गवर्नमेंट अपनी ओर से नेशनल हाईवे के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करती है और वहाँ 10,000 पर डे पीसीयू से ज़्यादा जो ट्रैफिक है वहाँ पर हम उसको 4-lane नेशनल हाईवे बनाने के लिए उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल देते हैं और इस आधार पर जो 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 स्टेट से हमको रिकमेंडेशन मिलती है उसके आधार पर हम उसका असेसमेंट करवाते हैं और पीसीयू कितना है उसको काउंट करके हम उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल देते हैं। इस तरह से सारे देश में नेशनल हाईवे का नेटवर्क बन रहा है।